अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ रहे शादो आबाद रहे और खुशियों से आपका दामन जो है भरा रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। मैं गई थी इस्लामाबाद, तो वहाँ मिनीसो जाना हुआ, तो वहाँ से मैं एक चीज़ लेके आई थी, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये देखें, ये फ्राई पैन लेके आई हूँ। ये खाने पकाने के भी काम आता है और अगर किसी ज़रूरत पड़ने पर ये एक हथियार भी बन जाता है। अगर आप किसी को मारेंगे भी तो अच्छा खासा उसको लग जाएगा, लेकिन मारने वाला काम नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे। तो हमने जो है ना सिर्फ इसमें कुकिंग ही करनी है जो हमारा काम है। तो ये जो है फ्राई पैन मैं लेके आई हूँ MINISO से, तो ये बहुत अच्छा मिल गया है मुझे, 1900 में मिला है ये। तो इसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं अपनी शॉपिंग, क्योंकि मैं अक्सर शॉपिंग शेयर करती रहती हूं। तो ये इसका कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है, पिंक कलर है इसका। तो इसका बैग पे जो है बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो ये मैं रोटी बनाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि अक्सर रोटी जो है ना तवा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इस पर पराठा भी बड़ा अच्छा बन जाता है और जो है ना आप कुकिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसकी बेस देखें कितनी अच्छी है। तो ये है कि वो काला नहीं होगा या ब्लैक ब्लैक साइडों पे नहीं जम जाएगा, वो बड़ी टेंशन रहती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे। तो इसकी बेस भी देखिए कितनी अच्छी है। पहले ज़माने में मेरी अम्मी कहती हैं कि हम लोग यही चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें बस थोड़ी सी इसकी केयर लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है जी, पुट इन वार्म वाटर विद नेचुरल डिटर्जेंट एंड वॉश इट विद स्पंज और सॉफ्ट क्लोथ। उन्होंने बस यही इसकी दी हुई है कि इसको जो है आपने हल्के से गर्म पानी से आपने इसको वॉश करना है, और जो है इसको मतलब लाइट से स्पंज से आपने या साफ नरम से कपड़े से आपने इसको साफ कर लेना है। और बाकी बड़ी बुरी अच्छी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है साथ में कि अगर आपने जो है डू नॉट हीट एम्प्टी पैन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम टू अवॉइड बीइंग डैमेज एंड शॉर्टिंग सर्विस लाइफ। मतलब कि अगर आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा देर जलते हुए चूल्हे पे नहीं रखना, जैसे हम तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए कि गर्म होगा तो रोटी अच्छी पकेगी, तो बस इसको यही है कि ये रखेंगे तो ये जल्दी जो है हीट पकड़ लेता है। और दूसरी उन्होंने केयर ये लिखी हुई है कि द एप्लीकेबल टेम्परेचर इज़ नॉट अबव 240 degrees। मतलब बहुत ज़्यादा इसको हाई आंच पे नहीं रखना, और इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वुडन और सिलिकॉन स्पैचुला। आपने या लकड़ी का इस पर स्पैचुला इस्तेमाल करना है, या फिर सिलिकॉन का जो स्पैचुला आजकल मार्केट में है वो इस्तेमाल करना है, इंस्टेड ऑफ आयरन और स्टीनलेस स्टील वन, टू प्रोटेक्ट द कोटिंग एंड प्रोलोंग इट्स सर्विस लाइफ। तो आपने स्टीनलेस स्टील वगैरह के जो हमारे चमचे होते हैं वो नहीं इस पर मारने हैं, आपने इस पर सिलिकॉन स्पैचुला या वुडन स्पैचुला जो है वो यूज़ करना है। तो अगर दूसरा हम यूज़ करेंगे तो उससे इसमें खड्डे पड़ जाएंगे और भाई ख़राब हो जाएगी ना ये चीज़। जितनी केयर से इस्तेमाल करेंगे उतनी ही देर ये अच्छी चलेगी। और कोई ख़ास नहीं लिखा, बस यही लिखा हुआ है कि वॉश कैसे करना है और आपने स्पैचुला कौन सा लगाना है जिससे इसकी लाइफ जो है अच्छी रहेगी। और दूसरा ये भी लिखा हुआ है इन्होंने कि इसको आपने धोने के बाद कपड़े से भी अच्छे से साफ़ कर देना है और इसको ड्राई करके आपने यूज़ करना है। तो बस यही इसकी छोटी सी केयर है, और बाकी ठीक है, रिजनेबल प्राइस है। वैसे भी मार्केट में ले तो इतना ही होगा या इससे ज़्यादा होगा, और वो दूसरे मटेरियल में होता है। तो ये मुझे इसकी बेस जो है ना वो पसंद आई है, बहुत अच्छी है, तो नीचे से काला नहीं होगा और बार बार रगड़ के धोना भी नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं जब इस पे कुकिंग करूँगी तो कोई रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ कि आज मैं क्या हतीम मार के आई हूँ और क्या लेके आई हूँ। ये खाना पकाने के काम भी आएगा, और अगर कोई आपके घर में चोर आ जाता है तो उसको मारने के काम भी ये आ सकता है। अच्छा खासा हैवी ड्यूटी है ये, काफ़ी वजनी है, और तो बस खैर खैर मारना नहीं है किसी को, ऐसे ही मैं तो मजाक में बात कर रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यही शॉपिंग थी आज की मेरी, तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ।
क्योंकि गार्डनिंग और कुकिंग जो है वो तो होती रहती है, तो कुछ नया भी जो है शेयर करना चाहिए। तो आज मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ड्राइंग रूम? क्योंकि आप मोस्टली तो मेरा किचन देखते हैं या मेरा गार्डन देखते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ड्राइंग रूम में बैठ के बना लूँ, क्योंकि बाकी घर में जगह अवेलेबल नहीं थी, तो घर वाले भी थोड़े तंग आ जाते हैं कि बस कर दो, कितनी वीडियोज़ डालनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कहीं और गोशा तलाश करते हैं घर का, जहाँ पर बैठ के वीडियो बनाई जाए। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ड्राइंग रूम? तो अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इसका टूर भी करवाऊँगी आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।